किसानों के हक को लेकर एक तरफ भारतीय किसान यूनियन देशव्यापी चक्का जाम व रोष प्रदर्शन के तहत जीटी रोड जाम कर रही है, वहीं कांग्रेस के लघु सचिवालय के बाहर किसानों के लिए धरना दे रही है। इधर आनंद फानंद में इन्होंने भी प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस जहां लघु सचिवालय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में किसान महापंचायत कर रही है, जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज 5 जिलों में पहुंचे। सूरजमुखी मूंगा मक्का की खरीद को लेकर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने को मजबूर है। आज प्रदेश भर में 7 जगह पर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया जा रहा है, जो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक जाम किया जाएगा। कांग्रेस ने भी किसानों की मांग के हक और मंदसौर की घटना के विरोध में धरने का ऐलान किया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में लघु सचिवालय पर किसान महापंचायत शुरू पिछले कई दिनों से कांग्रेसी भी जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। रोड जाम और किसानों की महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक किसी भी सूरत में कुरुक्षेत्र में जीटी रोड जाम नहीं करने देगी, जिसको लेकर 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और साथ ही सीआरपीएफ की एक बटालियन को भी लगाया गया है।